गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पर। और यह मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। टैक्सी बना के रखा ना मेरे को सबने यहाँ पर। ड्राइव कुछ ज्यादा लंबी होने वाली है तो हम सॉस में कुछ ना कुछ ड्रिंक लेके चलते हैं। एक तो यार इतने सारे ऑप्शन होते हैं ड्रिंक के, समझ नहीं आती है। देखो ओ तेरी ओ भाई साहब, ये भाई एक बोतल चाहिए। कितने सारे ऑप्शन लोगों ने देख रखे भाई। और हम आज पियेंगे गाइस चॉकलेट मिल्क शेक। तो यार बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये वाला। और तू खाते में लिख लिया वो बात अलग है, पिछले 4 साल से खाता दिया ही नहीं। और भाई इसको रखो यहाँ पर। और ये देखो वो फार्मिंग वाली वीडियो अभी तक मैंने बनाई भी नहीं है ब्रो। अगली समर आने वाली है और फार्मिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं बनी। तो यार क्या कर सकते हैं, मजा आ गया। तो यार गाइस हमने प्लान बनाया था एक्चुअली ग्रीस जाने का, तो मेरे को भी आज जाना है उसके साथ। तो मेरी टिकट आज की एक्चुअली बुक है, 5 बजे की फ्लाइट है, लेकिन मेरे को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स आ रही है जो कि मैं बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकता। भाई 6-6 महीने मैंने वेट किया इन अपॉइंटमेंट्स का, और अपॉइंटमेंट भी सालों ने कब दी जब मैं हॉलीडे जाने की प्लानिंग कर रहा था। और मैंने अपने दोस्त को बोला रुक जा फिर कभी चले जाएंगे। आपको पता है आजकल दोस्त ही निकम्मे हो चुके हैं अपने। ओ अभी आए हैं तो गाइस फ्री की चॉकलेट तो खाएंगे ना इसे घर के अंदर से। 1, 2, 3 ये 4 जेब में और 1, 2, 3, 4 अभी के लिए और बाकी की 4 घर जाते समय। इतने मक्कार बंदे हैं ना, मेरे को बोलते हैं कि हम तेरी गाड़ी में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि मेरी गाड़ी एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं पाएगी। इतनी मक्कारी की हद होती है यार, मैं क्या बताऊं अब आपको। तो ये रहा वो कमीना इंसान, ये देखो इसकी शक्ल देख रहे हो। ये मेरे को छोड़ के जा रहा है। हम गाइस जा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी फास्ट है तो चलाने में मजा भी आएगा। 1 hour later अभी मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। ये रहा अपना लोकल एयरपोर्ट। तो यार मेरे बगैर चले गए, मेरे को एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है यार। मेरी गाड़ी भी यहीं कहीं पार्क है यार। मेरे को हमेशा जगह भूल जाती है कि मेरी गाड़ी एक्चुअली पार्क कहाँ पे थी। साले पैसा लिए बगैर जाने भी नहीं देंगे मेरे को। तो सबसे पहले डालो टिकट अंदर। टिकट इज अंदर, फिर से निकाल के डालो। कर दे हूँ पैसे ले भाई, काम खत्म करना भाई। क्या कर रहा है यार तू। 5 अबे 2 सेकंड के लिए मैंने गाड़ी खड़ी की थी। और सबसे मस्त बात, गाड़ी की चाबी आ चुकी है, उसके अंदर टैंकी एकदम फुल भरी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा वीक फुल और मम्जा करेंगे गाड़ी में। तो ये रहा, इसके पहले खोलते कैसे, इसके पहले यहाँ से खुल जा भाई, खुल जा। तो गाड़ी को यहाँ से खोलो। और मैंने अभी नोटिस किया कि पानी की बोतलें, एक पानी की बोतल भी यहाँ से निकालो। और अब भी आपको दिखाता हूँ अंदर से एकदम मस्त। ये गाड़ी देख के गाइस मेरे को एक्चुअली लग रहा है कि अभी मेरे को अपनी गाड़ी चाहिए। ओ भाई यहाँ पर छत भी है पूरी, ऊपर से भी लाइटें वगैरह यहाँ पर आ रही हैं। सबसे पहले मेरे को अपनी रखनी है सीट फुल ब्लास्ट पर, सीटें भी गर्म होती है भाई। तो फाइनली गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ। मैंने एक बात नोटिस किया जो मुझे आपको दिखानी है। देखो गाइस जैसे ही मैं वहाँ पर गैस दूंगा ना, यहाँ पर लाइटें जलनी शुरू हो जाएंगी। देखो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे सिस्टम तो हमारे पीसी में नहीं है। और अपने दोस्त भी गाइस कितने बकवास बंदे हैं, मेरे को टेक्स्ट करके बोलता है कि मेरी गाड़ी के साथ छेड़ियो मत। तो मैंने उसकी गाड़ी वहाँ पर सेफली पार्क कर दी है, आपको शायद नजर नहीं आ रही होगी। तो ये अपनी एकदम नंबर 1 गाड़ी यही है, अपनी फरारी बुगाटी अपनी यही है ब्रो। अभी गाइस मैंने डिसाइड करके रखा हुआ कि मैं जा रहा हूँ गार्डन सेंटर, ठीक है। क्योंकि रुक ये भी रुक, होल्ड कर। पता नहीं चपाती भाई मुझसे क्यों वेट करवा रहे हैं भाई। तो गाइस मुझे अपने बल्ब प्लांट करने हैं, तो ये है डैफोडिल्स, ठीक है। और बहुत से बंदे मेरे को बोलते हैं ये प्याज के छिलकों में से कुछ नहीं निकलने वाला, इधर मैं तुमको दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर से मेरे को मिल रहा है ये, अभी दिखने में अदरक है, ठीक है। नहीं नहीं अदरक इसको क्या बोलते हैं, लहसुन। तो दिखने में लहसुन है लेकिन नहीं, ये एक्चुअली बल्ब है। और वो प्रूफ करने के लिए ये देखो इन प्याज के छिलकों में से कैसे फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये देखो। इसे कहते हैं टोटके। और गाइस कुछ दिन पहले मैं गया था आईकिया और वहां से मैं लेके आया हूँ बैम्बू। और ये देखो प्याज के छिलकों में से और फ्लावर्स भी निकलने वाले। तो यार इससे पहले कि गाइस फिर से स्प्रिंग फिर से गर्मी आ जाए, मुझे ये प्लांट करना पड़ेगा सारा। एक तो गाइस लोगों के बड़े अजीब पंगे है, ये रही मेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी के पीछे खड़ा है जहाज, पता नहीं किसने पार्क करके रखा हुआ। और मैं अपनी गाड़ी यहाँ से कैसे निकालूं यार, कौन है यार ये। सारे बंदों ने ठान लिया कि दुनिया में इन लोगों ने सिर्फ मेरे को ही तंग करना, इनको और कोई नहीं मिल रहा, ये सिर्फ मेरे को ही तंग कर रहे हैं। और गाइस अभी मैं आ चुका अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर, और मैं सोच रहा हूँ गाइस क्यों ना अपनी लैम्बोर्गिनी के लिए मैं क्यों ना एक गोप्रो ले लूं। क्योंकि पता क्या चक्कर, जब मैं ड्राइव करता हूँ ना तो रस्ते में बहुत मस्त मस्त सीन आते हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अगर मैं गोप्रो लूं तो अपना गोप्रो यहाँ पर टांग सकता हूँ, देखो यहाँ पर टांग के उसको बाहर फोकस कर सकता हूँ, तो बाहर जो भी हो रहा है वो रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं गोप्रो लूं या ना लूं, अगर लूं तो कौन सा। और अगर आप गोप्रो के बारे में कुछ भी जानते हो तो मेरे को बताइए कौन से
वाला लेना है और मैं अभी आ चुका हूँ गार्डन सेंटर। तो यहाँ पर मेरे को मिलेंगे मस्त प्रकार के फ्लावर्स। यहाँ पर आके एक्चुअली पता लग रहा है कि आप किस किस चीजों में सीड उगा सकते हो। ये देखो पिंजरे के अंदर सीड्स लगे हुए हैं यार यहाँ पर। तो गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि एक्चुअली मेरे को ये चीज बनानी है, मेरे को अपना जो बड़े वाला पॉट है ना मेरे को ऐसे बनाना है, हर एक प्रकार के उसके अंदर फ्लावर्स दिखने चाहिए। तो सबसे पहले गाइस मैंने उठाए हैं तो ये लेते हैं पीछे वाला, एक बड़े वाला ये भी ले लेते हैं। थोड़ा बहुत कलरफुल दिखाने के लिए मेरे को यहाँ से झाड़ियां वगैरह भी लेनी पड़ेंगी। यहाँ से मैं एक ये भी उठा लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस मैं एक्चुअली यहाँ पर एक या दो चीजें लेने आया था, और अगर अभी मेरी ट्रॉली देखे तो एकदम से पूरी ट्रॉली भर गई। भैंस की यहाँ कितनी प्लानिंग थी भी नहीं, लेकिन पूरी ट्रॉली भर गई। The next morning. Okay guys, so next day आ चुका है और आज हमारी प्लांटिंग वाले व्लॉग एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसको डब्बे को यहाँ से निकालते हैं और इसको लेके जाएंगे बाहर फिर से। भैंस की आंख, मौसम ही खराब हो रहा है यहाँ पर। तो आज तो आपने गार्डनिंग करने से पहले हमेशा ग्लव्स पहनने हैं क्योंकि उंगलियों के निशान कहीं पर भी नहीं छोड़ने अगर कोई खराबी होगी तो कोई आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। पटक दो यहीं पे। ये मैं एक्चुअली दो लेके आया हूँ, तो एक हमारे फ्लावर्स के लिए और दूसरा गंद के लिए। भाई लाइफ हैक है भाई, ये लाइफ हैक। तो ये हमारी ये रही सेकंड ट्रे, साथ में कुछ एम्प्टी पॉट्स मेरे को मिल चुके हैं तो मैं ये भी लेके आ गया। हमारे पास इतनी जगह है भी ये सही। और अभी आती है द मेन चीज, बोन मील आ चुका है और साथ में चिट्ठी भी लेकर आए क्योंकि चपाती भाई को यूज करना नहीं आता। इसके ऊपर एक्चुअली चीजें लिखी है कि सबसे नीचे कौन सा पौधा जाएगा, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर बोन मील, ऐसे बोन मील बारे में ना तो एक ही टाइम में बूफ। ओके गाइस आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को यहाँ पर छेद करने होंगे ताकि जब मैं इसके अंदर पानी डालूं तो पानी एकदम से नीचे ड्रेन होना चाहिए। तो एक छेद मेरे को यहाँ पर करना है। ओके आगे बढ़ने से पहले गाइस मुझे सबसे नीचे डालने होंगे पत्थर, में पत्थर भी लेके आना। पैसे स्पेंड करो पत्थर में, पैसे वेस्ट करो यूट्यूब मनी स्पेंडिंग ऑन पत्थर से। तो सबसे पहले मेरे को नीचे डालने पत्थर ताकि जब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूं तो मिट्टी स्टक ना हो छेदों के अंदर। इधर रिपोर्टिंग क्या कर रहा है, तोड़ दोगे, रहने दो। और ये देख लो भाई बैग नीचे से टूट जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत हैवी है यार ये। ओके तो अभी गाइस इसमें चपाती वाइट डालेंगे कॉम्पोस्ट। को लगता है यहाँ पे माइनक्राफ्ट की पोर्टल बना रहे हैं भाई, बिल्कुल पोर्टल जैसा लग रहा है अगर इस एंगल से देखे तो। ओके सबसे नीचे गाइस हम डालेंगे ये वाले क्योंकि ये वाले जो है कुछ ज्यादा ऊपर उगते हैं, तो जैसा मेरे को बोल कर रखा था, मेरे को ऐसे इतना पता नहीं है ठीक है। तो सबसे नीचे पर्ची के अनुसार हम ये वाले उगाएंगे ठीक है। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर, फिर एक और। लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे मैं बारूद लगा रहा। तो ये गाइस हमारा एक लेयर लग चुकी है, इसको ऊपर से कॉम्पोस्ट से भर देते हैं। कौन से लगाने हैं? हम कौन से वाले लगाएं? माइनक्राफ्ट वाले सबसे खतरनाक लगते हैं। ये येलो लग रहे हैं, ये देख वो ये रंग बिरंगी वाले। हाँ लेट्स गो। ये क्या कर रहे हो भाई? वो स्कूप कहाँ पे गया भाई? इंचांटेड शवल कहाँ पर गया? अबे देखो भाई सारा गार्डन गंदा कर रहे हो भाई। अभी इसके बाद प्लानिंग ये थी कि मुझे सारे इसके ऊपर लगाने थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सेपरेटली छोड़ दे कि आखिरकार एक्चुअली रिजल्ट क्या देता है। तो इन सब के लिए मैं वो दूसरे वाला पॉट लेके आया, तो एक काम करते उसको भी पूरा भर देते हैं अभी। और अभी आता है दी मेन बोन मील। ओके मुझे पता नहीं कितना मारना होता है, आई थिंक इतना हल्का सा मार देते हैं, देखते हैं क्या होगा बाद में। ओके अभी डाल तो दिया भाई, अभी देखते हैं गाइस इसका रिजल्ट एक्चुअली होता क्या है। अभी इसको चक के उधर रखना मेरे को। रहने दो भाई, वो नीचे से टूट जाएगा। उठाई नहीं पा रहा इसको। और अभी आती है पॉट नंबर टू और इसके अंदर भी गाइस चपाती भाई के वहाँ पर छेद करने हैं। अभी स्लो हो जाओ टूट जाएगा वो। सुपर फास्ट भाई। और अभी पत्थर हाथ के ऊपर रख के लगे कस के। नहीं 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 भाई ऐसा नहीं करना है। अबे ऐसे नहीं निकालते, एकदम ध्यान से निकालना होता है ये। इसमें टपली मारूं इसको मैं? निकल भाई। ओ निकल गया। ओके नाइस। अबे यार क्या कर रहे हो आपने? तोड़ दिया। तो शवल के यहाँ पर ये उगाना है, तो ये मेरा पहले वाला जा चुका है, अभी मैं सारा लगा देता हूँ। गाइस ये कुछ इस तरह से बन चुका है, बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है, तो एक काम करते हैं इसके अंदर और चीजें नहीं डालते फिलहाल, ठीक नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, इसका मैं अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और बाकी ये जो बची हुई है ये मैं वहां का वहां कहीं वहां लगा दूंगा। और आई बिलीव गाइस फरवरी के आसपास इसके अंदर से लाइक फ्लावर निकलने चाहिए, अगर नहीं निकले तो चूना लग गया फिर से चूना। तो चलिए गाइस हमारे छोटे से फार्मिंग वाले ब्लॉग में इतना काफी है, उम्मीद आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे को गोप्रो के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।